नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जनपद शिवपुरी के करेरा में शुक्रवार की सुबह पुलवामा शहीदों को याद किया गया। सेंट्रल हायर सेकेंडरी स्कूल समेत आईटीबीपी से सेकंड कमांडेंट दुष्यंत आर जायसवाल, आरटीसी एजुकेट कमांडेंट राजेंद्र सिंह राजपूत तथा आईटीबीपी जवानों और स्कूल स्टाफ द्वारा एक मशाल जुलूस पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में निकाला गया। यह मशाल जुलूस आईटीबीपी के मुख्य द्वार से शुरू किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों और बाजारों तथा गली मोहल्लों से होता हुआ पुरानी तहसील पहुंचा, जहां अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी गई। बाद में बस स्टैंड होते हुए सीता कॉन्वेंट स्कूल पर मशाल यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह स्कूली बच्चों, समाजसेवी संगठनों व गणमान्य नागरिकों द्वारा मशाल यात्रा में शामिल लोगों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीता कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक पवन वाजपेयी ने बताया कि 14 फरवरी को हम मातृपिता दिवस का आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष हमने पुलवामा में शहीद सैनिकों की याद में मशाल जुलूस निकाला है, ताकि हर नागरिक में देश प्रेम की भावना जागृत हो सके। बताया गया कि शाम के समय पुलिस चौकी पर स्कूली छात्र व स्टाफ द्वारा कैंडल मार्च किया जाएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, उसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम उठाया है, और आईटीबीपी शुरू से ही देश सेवा के लिए सबसे आगे आई है, और हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इतने अच्छे काम करके साथ देने का मौका मिला, और इसके साथ ही करेरा ग्रामवासियों में निश्चित रूप से और जागरूकता आई। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट।